हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सेंस लर्नर में। फ्रेंड्स, झारखंड पॉलिटेक्निक की फॉर्म भरने की तिथि आ गई है और 9 तारीख से फॉर्म भराया जा रहा है। आप सभी एस्पायरेंट्स जो मैट्रिक लिख चुके हैं और जो पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन लोगों के लिए यह वैकेंसी आया हुआ है। तो आप का जो नोटिफिकेशन आया हुआ है, उस नोटिफिकेशन का मैं यहां पर डिटेल डिस्कशन करने जा रहा हूं, अलोंग विद सिलेबस का एक्सप्लेनेशन मैं करूंगा। तो चलिए नोटिफिकेशन क्या बोलता है देखते हैं। देखिए, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2022 झारखंड, ठीक है। तो बेसिकली यह वैकेंसी उन लोगों के लिए होता है जो मैट्रिक में भी एग्जाम लिख चुके हैं और अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। देन 99% स्टूडेंटों को पता होता है कि मेरा रिजल्ट क्या होने वाला है, ठीक है, मैट्रिक का। तो हम उन स्टूडेंट से कहते हैं कि आप अगर पॉलिटेक्निक के फील्ड में आप अगर इंटरेस्टेड हैं, तो नोटिफिकेशन आ गई है झारखंड सरकार का कि आप पॉलिटेक्निक का फॉर्म भर सकते हैं और इसके लिए एक जेन्युइन सिलेबस है, आप उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन कर सकते हैं और इस एग्जाम में एडमिशन आप पास करके आपको बहुत सारे ऐसे कॉलेज है वहां पर एडमिशन आप ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका करियर ब्राइट हो जाएगा, आप इससे इंटीग्रेटेड कोर्स बीटेक भी कर सकते हैं, बहुत सारे कोर्स अवेलेबल हैं, उसके बारे में यहाँ पर डिस्कशन नहीं करना है, ठीक है। देखिए, फॉर्म फिलिंग डेट 9/5/2022 से शुरू हो चुका है, 9 मई से शुरू हो गया है, ठीक है। और जो लास्ट डेट होगा ना 23/5/2022 है, लास्ट डेट 23/5/2022 मींस ज्यादा नहीं, सिर्फ 14 दिन आपको दिया जा रहा है फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। एग्जाम होगा 19/6/2022 मींस आपका 23 को खत्म हो रहा है और 19 जून को एग्जाम हो रहा है, तो कितना दिन आपको समय दे रहा है ना, 27 डेज ओनली, 27 दिन का टाइम आपको दिया है एग्जाम तक, ठीक है। तो आप अभी से ही लग जाइए, ठीक है। जो फॉर्म भरने में आपका जो फीस लगेगा, जनरल के लिए मींस यूआर, ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए ₹650 लग रहा है, मींस आपका जो एग्जाम फीस होगा ₹650 है। एसटी एससी फीमेल के लिए ₹325 है, फीमेल चाहे कोई भी कैटेगरी से हो, एसटी हो, एससी हो, जनरल हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, आपका ₹325 लगेगा, ठीक है। अगर जो हैंडीकेप है, विकलांग है, अगर वो आंख से सही से देख नहीं पा रहा है, अगर उसका पैर खराब है, आंख खराब है, तो उसको कोई भी पैसा नहीं लगेगा, ठीक है। और इस एग्जाम का फॉर्म भरने के लिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, आपका 10 पास या अपेयरिंग होना चाहिए। अभी जो स्टूडेंट का रिजल्ट नहीं आया वो अपेयरिंग में है, और जो पिछले साल पास कर लिए हैं और इस साल वो इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, तो वो उनके लिए भी एग्जाम होगा। देखिए, इसमें आपको एग्जाम में मिनिमम 35% आपको लाना है, अगर 35% से कम आपका मार्क्स आता है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। लेकिन 35% तो झारखंड में अधिकतर स्टूडेंट का आता है, तो आपको टेंशन नहीं लेना, आप इसे डायरेक्ट भर दीजिए, ठीक है। देखिए, हमारे पास जो सिलेबस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, ये तीन ही सिलेबस हैं जो पूछे जाते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट तीन सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे, ठीक है। देखिए, फिजिक्स का हम यहां पर डिटेल में डिस्कशन करते हैं कि क्या पूछे जाएंगे, ठीक है, ये क्या सिलेबस है फिजिक्स का, ठीक है। सबसे पहले देखिए, फिजिक्स आपको पढ़ना है तो मेजरमेंट सबसे पहले आपका पढ़ना पड़ेगा। आप कभी भी फिजिक्स पढ़ते हो, आप 9 देखो, 10 देखो, 11 देखो, 12 देखो, सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेजरमेंट, है ना। मेजरमेंट आपका क्लियर नहीं तो आपका फिजिक्स कुछ भी नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर होता है मेजरमेंट और इसमें फिजिक्स का हर एक पार्ट इंक्लूड होता है, यू नो वेरी वेल, ठीक है। इसके बाद काइनेटिक्स,
काइनेटिक्स, काइनेटिक्स भी आप पढ़े हो, ठीक है, काइनेटिक्स पोटेंशियल, ठीक है, आप लॉ ऑफ मोशन, मोशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, गति, ठीक है, ठीक है, ये नाइन्थ में आपको मिल जाएगा। वर्क पावर एंड एनर्जी है ना, ये जो चैप्टर है काफी बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, काफी बेसिक बेसिक वर्क पावर एंड एनर्जी, ये इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं इस चैप्टर से, ठीक है। और ये क्वेश्चन, ये चैप्टर बहुत इजी है, अगर आप इसमें अच्छा से थोड़ा सा आप उसको स्टडी करोगे, आप उसको मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन बहुत सारे क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि मल्टीपल चॉइस ही पूछा जाता है, ओएमआर बेस आपका एग्जाम होने वाला है, ठीक है। देखिए काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस है ना, ये चैप्टर से है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से, ठीक है, हीट एंड थर्मल एक्सपेंशन है ना, इस चैप्टर से पूछा जाएगा, आप थर्मोडायनेमिक से पूछा जाएगा, वन टू है, रोटेटरी, रोटेटरी से पूछा जाएगा, मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी, मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी, ठीक है, रिजिड बॉडी जो मोशन नहीं करता है, ग्रेविटेशन कॉमन चैप्टर है, ग्रेविटेशन, ठीक है, फिर देखिए देखिए सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हाइड्रोस्टेटिक्स, हाइड्रोस्टेटिक्स, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रेक्शन, रिफ्रेक्शन, ठीक है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है ना, जो 11 में आपको मिलेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये भी 11 12 में मिलता है, ठीक है, करेंट इलेक्ट्रिसिटी, ये तो 9 10 में मिलेगा आपको, है ना, ट्रांसमिशन ऑफ हीट, हीट भी आपको पढ़ना 9 में, वेव मोशन, ठीक है, इसके बाद आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये भी आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन आपको बहुत सारे बुक आते हैं मिल जाएंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, इससे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो ये सब सारे जो चैप्टर हैं काफी कॉमन है, ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसका जो लेवल होगा वो थोड़ा सा अलग होगा, क्योंकि ये पॉलिटेक्निक के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा रहा है, क्योंकि आपको इसमें जूनियर इंजीनियर आपको बनना है, तो आपका जो लेवल होगा क्वेश्चन का, जिसे और सब एग्जाम होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, उनसे थोड़ा सा हटके रहेगा, और इसका लेवल भी ठीक ठाक रहेगा और सब एग्जाम का कंपेरिजन में, ठीक है। तो अब चलिए आगे का देखते हैं हम, अब तो देखिए यहां पर जो केमिस्ट्री का जो सिलेबस है, जो केमिस्ट्री में जो हमारे चैप्टर दिए गए हैं, उनके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। देखिए सबसे पहले जो केमिस्ट्री में बोला गया है एलिमेंट, ठीक है, जिस तरह मेजरमेंट इंपॉर्टेंट था फिजिक्स में, उसी तरह से एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं केमिस्ट्री में, ठीक है, तत्व, इनके बिना आप केमिस्ट्री को इमेजिन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब मिक्सचर एंड कंपाउंड्स काफी जाना पहचाना चैप्टर है, जो आप 9th, 10th में पढ़ते आए हैं, सेम चैप्टर है, बस यहाँ पर इंग्लिश से है, जो बंदा इंग्लिश से पढ़े होंगे उनको समझ में आ जाएगा, जो हिंदी से पढ़े हैं उनके लिए मिश्रण और यौगिक, ठीक है, मोलेकुलर एंड इक्विवेलेंट मासेस ये पढ़ना है, ठीक है, मोलेकुलर इक्विवेलेंट मासेस, ठीक है, ग्रुप एलिमेंट ये पढ़ना है, इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री केमिकल कंपाउंड, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ये पढ़ना है, ठीक है, एसिड्स बहुत कॉमन है, बेसिस भी कॉमन है, सॉल्ट कॉमन है, हाइड्रोलिसिस ये भी कॉमन है, कैटेलिस्ट ये भी कॉमन है, डिफरेंट केमिकल रिएक्शन ये तो और कॉमन है, बट इसमें आपको थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल पढ़ना पड़ेगा, रिएक्शन जानने के लिए पीरियोडिक टेबल पढ़ना पड़ता है, क्योंकि उसमें याद रखना पड़ता है बहुत सारे पीरियोडिक टेबल, ठीक है। देखिए पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स यही है, ठीक है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है, गैसेस लॉ, एटॉमिक स्ट्रक्चर ये भी कॉमन है, वैलेंसी, कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक,
ठीक है, ये सब बेसिकल 9th 10th 11th में आपको ये चैप्टर मिलते हैं। हाइड्रोकार्बन ये आपको कोई बुक मिल जाएगा, पॉलीमर्स ये भी इजी है, डिटर्जेंट्स देखिए कॉमन है, ड्रग्स एंड एक्सप्लोसिव ये सब आपको पढ़ना है। तो देखिए ये सब सारे चैप्टर क्या है, ये सब सारे चैप्टर ना जो बेसिक चैप्टर है, जो बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन सबों से ही पूछे जाते हैं। आपको मार्केट में इसका एक बंच सिलेबस का जो एक्सप्लेन क्या हुआ आपको मार्केट में किताब मिल जाएगा, आप उसे परचेस कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद मैथ देखिए, ठीक है मैथ, ठीक है नंबर सिस्टम पूछा जाएगा। देखिए नंबर सिस्टम में क्या पूछा जाता है, नंबर सिस्टम में संख्याओं से खेलना, ठीक है संख्या को किस तरह से आप उसको डिवाइड कर सकते हैं, किस तरह पावर में तोड़ सकते हैं, पावर का यूनिट क्या होता है, उन सभी चीजों के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। टाइम एंड डिस्टेंस, आपको कहीं पर जाना है तो कितना डिस्टेंस आप जा रहे हो, कितना समय में जा रहे हो, रेशियो एक्सप्रेशन, रेशियो पढ़ना है, लॉगरिथम काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लॉग का वैल्यू सब याद रखना आपको, लिनियर इक्वेशन है ना ये बहुत इजी है, फैक्टराइजेशन ये 7th 8th का है, एचसीएफ एलसीएफ 5th क्लास का है, सेट 7th क्लास का, टाइम एंड वर्क 8th क्लास का क्वेश्चन, ठीक है सिंपल इंटरेस्ट 7th क्लास का, कंपाउंड इंटरेस्ट 8th क्लास का, क्या है इसमें तो कुछ है ही नहीं, कोई ऐसा चीज पूछ ही नहीं रहा है जिससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। बैंकिंग टैक्स, बैंकिंग है, टैक्सेशन है, ये 10th क्लास का क्वेश्चन है, ठीक है काफी इंपॉर्टेंट है। रिलेशन कोई किताब में 7 में मिल जाता है, कोई 8 में, कोई 11 में मिल जाता है, रिलेशन एंड फंक्शन 12 में भी मिलता है ना। तो देखा जाए तो बाय एंड लार्ज मैथ्स का जो सिलेबस है वो डेफिनेटली इजी है, ठीक है। त्रिकोणोमेट्रिक रेशियो आइडेंटिटीज क्या है, या बेसिक आइडेंटिटीज आपको याद रखना है, ठीक है बेसिक आइडेंटिटीज है ना, त्रिकोणमेट्रिक त्रिकोणमिति ये बहुत इजी चैप्टर है, 9th क्लास 10th क्लास का आप उठा लो सारे इससे क्लियर हो जाएंगे, बस आइडेंटिटी याद रखो, आप इसका फॉर्मूला होता है उन सब चीजों को याद रखना है। देखिए त्रिकोणमेट्रिकल फॉर्मूला, देखिए फॉर्मूला भी यहाँ पर दे दिया है, ठीक है। एस्थेटिक्स क्या पढ़ा, जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट होते हैं और जो 9th 10th में पढ़ाया जाता है एस्थेटिक्स सांख्यिकी, उन सब चीजों से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। और ज्योमेट्री तो 6, 7, 8, 9, 10 पांच क्लास ज्योमेट्री पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि इस चैप्टर से कुछ अच्छे क्वेश्चन भी बन जाते हैं, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट टफ टॉपिक माना जाता है इन द वर्ल्ड ज्योमेट्री को। हाइट एंड डिस्टेंस इसमें काफी लिमिट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है इसमें आपको सिर्फ एलिवेशन कोण समझ जाना है ना, और डिप्रेशन कोण बस आपका इसमें बन गया है ना। एरिया आपको बहुत आसान पड़ेगा, वॉल्यूम है, ठीक है सरफेस एरिया है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स है, और द स्ट्रेट लाइन है, ठीक है इन सभी चीजों को आपको पढ़ना है, ठीक है। देखिए ओवरऑल अगर हम बात करें जो फिजिक्स से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जो 50 मार्क्स का होगा, ठीक है 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, केमिस्ट्री में आपका 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये भी 50 मार्क्स का होगा, और मैथ्स में भी आपको 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का पूछा जाएगा, टोटल 150 क्वेश्चन होंगे 150 मार्क्स का होगा। लेकिन अगर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, ठीक है अगर एक क्वेश्चन अगर आप सही करते हो तो 1 नंबर आपको मिल जाएगा, अगर एक क्वेश्चन अगर आप गलत करते हो तो आपको 0.25 नंबर काट लिया जाएगा। मतलब अगर एक क्वेश्चन गलत कर रहे हो तो 1.25 नंबर आपका चला जाएगा, अगर आप 10 क्वेश्चन गलत करते हो तो कितना क्वेश्चन कटेगा, कितना नंबर कटेगा पता है, 12.5 नंबर कट जाएगा आपका 10 क्वेश्चन गलत करते हो तो, ठीक है। तो इस तरह से प्रोटेक्निक इंट्रांस कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2022 है ना फॉर्म भरा रहा है, 9/5/2022 से लास्ट डेट है 23/5/2022 और एग्जाम होगा 19/6/2022। तो मैंने सिलेबस का थॉरली डिस्कशन कर दिया, नोटिफिकेशन का भी मैंने कर दिया, तो आपका काम है ये देखना
और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, सो दैट यू कैन रीच आउट द स्टूडेंट दोज हु हैव नो नॉलेज अबाउट दिस, है ना, कि वैकेंसी आ गई है, वैकेंसी में क्या करना है, फॉर्म किस तरह अप्लाई करना है, सारे चीज का मैंने बता दिया है, कितना पैसे लगने वाले हैं, ठीक है, कब एग्जाम है, क्या सिलेबस है, आप देख लीजिए और आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं जाके झारनेट से, ठीक है, चलिए, थैंक यू।